नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम बनाएंगे आंवले का बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार। आज हम जिस तरीके से ये अचार बनाएंगे, ना तो हम आंवले को उबालेंगे और ना ही इनको भाप में पकाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। आंवले का अचार बनाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को यही शिकायत रहती है कि आंवले का अचार बनाते हैं तो एक दो हफ्ते में ही ख़राब हो जाता है, लेकिन आज हम जिस तरीके से ये अचार बनाएंगे, ये सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, हम इस अचार को धूप में भी नहीं रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं आंवले का बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार अचार। आंवले का अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो आंवले लिए हैं, यानी कि ये हाफ के जी है। आंवले का अचार बनाते टाइम एक बात का ध्यान जरूर रखना है, आंवले बिल्कुल ताज़ा होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। आंवले के ऊपर यदि इस तरह के पत्तों के निशान हैं तो कोई बात नहीं, ये आंवले ख़राब नहीं है, इनका अचार बना सकते हैं। और मैंने इनको तीन बार साफ पानी से और एक बार गुनगुने पानी में दो चम्मच नमक डालकर भी इनको अच्छे से धोया है। गुनगुने पानी में नमक डालकर आंवलों को ज़रूर धोना है। आंवले को यदि गुनगुने पानी में नमक डालकर धोएंगे तो आंवले अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव होता है। अब इनको साइड में रख देंगे और दूसरे बड़े बर्तन में इनको काट लेंगे। आंवले के ऊपर जो ये लाइन है, इसके ऊपर कट लगाएंगे। अब दूसरी वाली लाइन पर भी कट लगाएंगे और अब इसको इस तरह से काट लेंगे। इसी तरीके से सारे आंवले काटेंगे। आप साबुत आंवले का अचार भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काट कर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अचार में मसाला अंदर तक चला जाएगा तो खाने में अचार बहुत टेस्टी लगेगा। और आंवले को काटते टाइम आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि कच्चे आंवले को काटते हैं तो हाथ हल्के से काले हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम तो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी तरह के अचार और मुरब्बे बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और आंवले का अचार तो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और कच्चा आंवला तो हमारे बाल, आँखों और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि हम एक आंवला डेली खाएंगे तो हमारी बॉडी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। ये देखिए, हमने सारे आंवले काट लिए। इस तरीके से आंवले को काटेंगे तो सारे पीस एक जैसे कटेंगे, अचार दिखने में अच्छा लगेगा। आप इसमें डालेंगे दो चम्मच नमक, ये नॉर्मल वाला नमक है जो हम घर में डेली यूज करते हैं, और एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। आप इनको अच्छे से मिला देंगे। नमक डालने से होगा क्या कि जो आंवले में हल्का सा कसैलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये आंवले का अचार बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमक और हल्दी इसमें अच्छे से मिल गया। आप इसको ढक देंगे और दो दिन के लिए किचन में ही रखेंगे, यानी कि 48 आवर्स के लिए इसको ढककर किचन में ही रखेंगे। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको दिन में एक या दो बार चम्मच से उलट पुलट करते ज़रूर रहना है। और अब अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे तीन चम्मच सौंफ, तीन चम्मच ही लेंगे साबुत धनिया और एक चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, 5 से 7 लेंगे काली मिर्च और 5-6 लेंगे लौंग। आप यदि लौंग और काली मिर्च अचार में नहीं डालना चाहते तो जब अचार में मसाला डालेंगे तब एक चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। और 2 चम्मच लेंगे पीली सरसों। आपके पास यदि अभी घर में पीली सरसों नहीं है तो काली सरसों भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे। अब इनको भून लेंगे, मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे तो मसाले की नमी ख़त्म हो जाएगी और अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आप यदि मसालों को भूनकर अचार में नहीं डालना चाहते तो 1/2 घंटे के लिए मसालों को धूप में रखेंगे तो भी मसालों की नमी ख़त्म हो जाएगी। और यदि मसालों में नमी नहीं रहेगी तो अचार लंबे टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होगा। 1.5-2 मिनट में ही मसाला भून गया। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, यदि मसाले को ज़्यादा भूनेंगे तो अचार में हल्का सा कड़वापन हो सकता है। आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब अचार के लिए तेल गरम करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी सरसों का तेल, ये वजन में 150 ml है।
आपके पास यदि घर में सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ही डालना, क्योंकि सरसों के तेल में अचार ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है या फिर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर सरसों का तेल नहीं मिलता, तो आप जो घर में तेल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। और आप अचार में तेल को बिना गर्म किए हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि तेल को गर्म करके अचार में डालेंगे तो जो सरसों के तेल में हल्की सी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया, आप गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये मसाला भी ठंडा हो गया, अब इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसाले को दरदरा पीसा है। मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मसाले को दरदरा पीसेंगे तो अचार खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और ये तेल भी ठंडा हो गया, ये हल्का सा गुनगुना है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हमने आंवले में पहले भी हल्दी डाली है तो हल्दी आधा चम्मच ही डालेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे हींग। थोड़ी सी हींग डालने से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आधा चम्मच डालेंगे कलौंजी। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। हमने गुनगुने तेल में हल्दी, हींग और कलौंजी इसलिए डाली है ताकि ये तीनों चीज़ें हल्की सी भुन जाए, लेकिन तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए जब हम तेल को फिंगर से छुएं तो फिंगर जले नहीं। आप इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। और एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास अभी घर में है तो डालना, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चम्मच डालेंगे काला नमक। हमने आंवलों में दो चम्मच नमक पहले भी डाला है तो सिर्फ मसालों में एक चम्मच काला नमक डालेंगे। आप काला नमक की जगह नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं, वैसे मसालों में भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये मसाला डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस कर रखा है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और अब इन आंवलों को देख लेते हैं। दो दिन हो गए इनमें नमक लगा कर रखे हुए, हमने इनको दिन में दो बार चम्मच से उलट पुलट किया है। ये नमक और हल्दी का पानी है, आंवले का पानी नहीं है। नमक आंवलों के अंदर तक चला गया। आंवलों में नमक लगा कर रखने से दो फायदे हैं, एक तो आंवलों का कसैलापन दूर हो गया और दूसरा ये 60-70% पक भी गए। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आराम से टूट रहे हैं, इन आंवलों को अब उबालने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको छलनी में डाल देंगे ताकि इनमें से नमक का पानी निकल जाए। आप नमक का पानी नहीं निकालना चाहते तो ऐसे ही अचार में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंवलों को नमक के पानी के साथ अचार में डालेंगे तो अचार में नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छलनी से छान रही हूँ। आप इन आंवलों को थोड़ी देर के लिए धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इनको धूप में नहीं सुखाऊंगी। और यदि आपने नमक लगाकर आंवले दो दिन के लिए रखे हैं और वो 50-60% नहीं पके हैं तो फिर आप उनको एक दिन के लिए और ऐसे ही नमक में रखना ताकि आंवले 50-60% पक जाए। और इस नमक के पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, इसको बाद में मैं सब्जी या दाल में डाल लूँगी। और इन आंवलों को इस मसाले में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इस अचार को कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तांबे पीतल एल्यूमिनियम के बर्तन में तो इस अचार को बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जिस डब्बे में आप ये अचार डालेंगे वो डब्बा भी बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। यदि डब्बा साफ़ और सूखा नहीं होगा तो अचार ख़राब हो सकता है। और डब्बे में से अचार को खाने के लिए जिस चम्मच से निकालेंगे तो वो चम्मच भी बिल्कुल साफ़ और सूखी होनी चाहिए। यदि चम्मच भी साफ़ और सूखी नहीं होगी तो भी अचार ख़राब हो सकता है। आंवले में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 5-6 चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। सफ़ेद सिरका आराम से परचून की दुकान पर मिल जाता है और काफ़ी लोग तो कमेंट करके ये पूछते हैं कि आंवला खट्टा होता है तो आप उसमें विनेगर किस लिए डालते हो, क्योंकि विनेगर भी खट्टा होता है। मैं आंवले के अचार में थोड़ा सा सिरका इसलिए डालती हूँ, एक तो सिरका डालने से आंवले का कसैलापन दूर हो जाएगा और यदि आंवले का कसैलापन दूर हो जाएगा तो अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और दूसरा, सिरका डालने से अचार भी ख़राब नहीं होता क्योंकि सिरका प्रिजर्वेटिव होता है। सिरका भी अच्छे से मिक्स हो गया।
मैं इस अचार को कांच के डब्बे में स्टोर करके रखूँगी। आंवले का अचार इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस अचार को अभी भी खा सकते हैं क्योंकि आंवले 50-60% तो पके हुए हैं ही। आप इस अचार को धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको धूप में नहीं रखूँगी। अब इसमें 100 ml सरसों का तेल गर्म करके और डाल देंगे, क्योंकि यदि अचार तेल में डूबा रहेगा तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप आंवले का अचार बनाएंगे तो सालों साल तक भी अचार ख़राब नहीं होगा। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी सफाई से और अच्छे ढंग से अचार डालते हैं लेकिन फिर भी अचार ख़राब हो जाता है, तो इतने अचार में आप आधा चम्मच सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव है, इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। जो मार्केट में अचार मिलता है वो लोग भी अचार में सोडियम बेंजोएट ही डालते हैं। आपको ये आंवले का अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।